एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। दिस इज़ मी रेशमा हुसैन और आज का ब्लॉग है अबाउट 9th फ्रेशर्स मीट कम गेट टुगेदर। सो लेट्स एन्जॉय द ब्लॉग। रिपन, मालूम है स्ट्रेस में फिर भी हाई कर लो। Let's give them a big round of applause. Now, I would like to call our General Secretary, Mr. Suhail Ahmed, to come and felicitate our judge, Ms. Rashida Begum. Let's give him a big round of applause. Now, I would like to call our senior member, Ripon Ahmed, to come and felicitate our judge, Farooq Ahmed. Guys, give them a big round of applause. Now, I'd like to call our senior member, Rahul Ahmed, to come and felicitate Mr. Sahil Mazumdar. अपने बारे में कुछ बताइए, कुछ इंटरेस्टिंग बताइए अपने बारे में। सब लोग तो वही बता रहे हैं अपने बारे में। आप कुछ इंटरेस्टिंग बताइए अपने बारे में। आप में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग कुछ बात है?
जी अभी तक ये पता नहीं चला। पता नहीं चला मतलब अभी तक पता नहीं चला, कब पता चलेगा? आप में ऐसा कुछ खास क्या है आपको पता नहीं है? जी मेरा हॉबी है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग तो कहाँ कहाँ ट्रैवल करते हैं आप? जी अभी तक किया, अभी तक किया नहीं है जी। आपका घर कहाँ पे है? जी धोबी लाइन। धोबी लाइन गुवाहाटी गया हूँ सिर्फ जी। और आउट ऑफ स्टेट नहीं गए कहीं भी? जी नहीं। लेकिन आपको ट्रैवलिंग पसंद है जी। तो आप फ्यूचर में कहीं ट्रेवल करना चाहते हो, कहाँ कौन, ऐसा कौन सा जगह होगा? लद्दाख। लद्दाख में जी। कैसे जाएंगे आप? क्या राइडिंग बाइक से जी? बाइक चलाना आते है अभी? जी 18 साल के हो गए? जी नहीं। लाइसेंस तो नहीं है जी नहीं। अच्छा ठीक है, आप 18 साल के बाद ही जाइएगा ठीक है जी। और लद्दाख तो सबका है, अभी का एक जनरेशन का है वो, ये एक फिक्स हो गया कि लड़का हुआ तो लद्दाख जाना ही है बाइक लेके। लद्दाख छोड़ के और कहीं का कुछ प्लान है? मनाली। मनाली और कुछ? गोवा वहाँ जाने का प्लान नहीं है? जी नहीं। गोवा जाना नहीं चाहते? गोवा पसंद नहीं है जी नहीं। आपको आपको सिर्फ स्नोफॉल पसंद है शायद? मुझे विंटर ज्यादा पसंद है। अभी आप एक चीज पूछती हूँ, जैसे कि विंटर पसंद है ना जी, तो हाफलॉन्ग में तो पहले पहले देखो बहुत ठंड होता था जी। आजकल अभी नवंबर, आज 1 नवंबर है ना जी, अभी तक ठंडा तो नहीं है जी नहीं। तो उसका कारण क्या है? आजकल यहाँ इतना गर्मी क्यों हो रहा है पता है आपको? जी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बताइए थोड़ा उसके बारे में। जी ह्यूमिडिटी लेवल कम हो रहा है। और बस इतना ही मालूम है। ऑडियंस को भी कुछ बताओ क्या करना चाहिए हम लोगों को पहले वाला हाफलॉन्ग लाने के लिए? जी पेड़ कम कटना चाहिए। कम कटना चाहिए, पेड़ उगाना चाहिए जी, है ना? देखो अभी जो मार्केट चल रहा है जी, ऑलरेडी इतना ज्यादा कॉम्पिटिटर है मार्केट में, क्लोथिंग के लेके बहुत लोग बैठे जी, उनके साथ आप कैसे कॉम्पीट करोगे? जी नया डिजाइन के क्लोथ लाके। वो तो वो भी लाएंगे फॉर श्योर जी। आप क्या करोगे उनसे अलग, क्या करोगे ताकि कस्टमर अगर 5 आए तो उसमें से 4 आपके पास आए और 2 वो एक उधर वो ना आए? जी यूनिक्लो। सुबह से नहीं बेचा एक भी कांदा, कोई खरीद लो क्या? मेरा आलू पराठा। सुबह से नहीं बेचा एक भी कांदा, कोई खरीद लो मेरा आलू पराठा। रो के दिखा। कोई खरीद लो मेरा आलू पराठा। शाइन दिखा दीजिए आप। आपको जिंगलाला हो आपको जिंगलाला हो जिंगलाला हो करके पूरे स्टेज घूमना है करके दिखाओ ऐसे जिंगलाला हो जिंगलाला हो जिंगलाला हो। हाँ बड़े बड़े जिंगलाला हो जोर से जोर से। साड़ी खुल गया फिर से। जिंगलाला हो जिंगलाला हो जिंगलाला हो जिंगलाला हो। बाय बाय।
जिसे जिंदगी की परवाह होती है, माँ कसम मारने का मजा उसे आता है। जिंदा ही थे तुम। ये लड़की वाला नहीं हुआ है भाई, लड़की वाला नहीं हुआ है। एक्चुअली वेरी सॉरी, आप थोड़ा लेट हो गया। हम हाथी गली में गया था, कुछ असाइनमेंट था, अभी जस्ट पहुंचा, घर भी नहीं गया, सीधा इधर आया। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट 9 तक फ्रेशर्स में फिर पहुंच गया है। पहले स्टार्ट किया रहा बहुत सारा, আমি রাজি আছি। জি না, আপনি ক্ষমক্কা। জি না, অন্য বাইদি যাও। আচ্ছা, তুমি তো কত ভরিয়া? জি না, ওই তো নাই, সকাল সকাল মাথা গরম করিও না, যাও গিয়া। আপনা কঙ্কি সে আপনার মম্মি হোগা, মম্মি কো দে দেনা। ও গে জো ভি হো, বহন ভাই কোই তো হোগা। জি বহন ভাই আপকা কোই তো হোগা। কোই নহীং, মে আকেলা আদমি হুঁ। লে লো, কোই বাত নেই, ভাবি কোই দে দেনা। किसको देना है? भाभी को। भाभी नहीं, मैं अकेला इंसान हूँ। अच्छा ठीक है, आपके पड़ोसी को दे दो। पड़ोसी वो पैसा से अकेला है तू? हाँ, वो पैसा से अकेला है। मैं क्यों खरीदूँ? ऐसे ही जान पहचान है, गिफ्ट कर दो। वो उसके साथ मेरा झगड़ा है। वो अभी खानदानी वाला। अभी जैसे मैंने किया मंसूर के साथ, वैसे ही आपकी। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? लगाओ ना चश्मा। आ तेरी, शांत शांत हो जा, मेरे पीछे शांत हो जा। इतनी तकलीफ मत ले, मुझे तकलीफ होती। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
डिक्लेरेशन। तो फ्रेशर्स आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स है हमारा, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये मतलब बुरा मत मानिए कि हम किसी से कम है, आप इससे कम है, ऐसे मत सोचिए। सभी अपने अपने प्लेटफॉर्म पे, सभी अपने अपने टैलेंट अपना होता है, बस थोड़ा सा एक दो मार्क्स के लिए कुछ कमी हो गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग डिक्लेयर करने जा रहे हैं। और सो हमारे नाइन्थ फ्रेशर से महफिल के बेस्ट पर्सनैलिटी है मिस, एनी गेसेस बेस्ट पर्सनैलिटी मिस रेशमा हुसैन। सही, सीरियस ऑन सीरियस नोट, हमारे नाइन्थ फ्रेशर से महफिल के बेस्ट पर्सनैलिटी है मिस हफीजा बेगम। Miss Freshers 2023 is Miss Mahmooda Khan. Yeah, please give a round of applause. Please give a round of applause, please. Audience, please clap. Now, Mr. Fresher of 2022. Handing over the trophy, I would like to call. मैं बुलाने चाहूँगी मिस सोफिया खान जी, प्लीज स्टेज पर आ जाइए। और जबेद अंसरी, मिस्टर जबेद अंसरी प्लीज आ जाइए। जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां हो जाए।